हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नासिक के अस्पताल में दर्दनाक हादसा, ऑक्सीजन टैंकर लीक होने से रुकी सप्लाई, 22 मरीजों की मौत। देश में कोरोना वायरस महामारी की वजह से उपजे ऑक्सीजन संकट के बीच पूरी तरह प्रभावित राज्य महाराष्ट्र से एक बेहद दर्दनाक खबर मिली है। महाराष्ट्र के नासिक में डॉक्टर जाकिर हुसैन अस्पताल के बाहर ऑक्सीजन टैंक लीक होने से 22 लोगों ने दम तोड़ दिया। लीकेज के कारण अस्पताल में 30 मिनट तक ऑक्सीजन सप्लाई बाधित रही। इसके कारण वेंटिलेटर पर रखे 22 मरीजों की मौत हो गई। खबरों के मुताबिक अभी कई लोगों की हालात गंभीर बनी हुई है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि संभवत ऑक्सीजन सप्लाई में आई रुकावट की वजह से इन मरीजों की मौत हुई है। जिला अस्पताल के मुताबिक इस हादसे में मरने वालों की संख्या अब 22 हो गई है। बता दें कि पहले हादसे में 11 लोगों के मारे जाने की जानकारी मिली थी। बताया जा रहा है कि अस्पताल में करीब 171 मरीजों को ऑक्सीजन दी जा रही है। मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई है और बचाव कार्य जारी है। महाराष्ट्र के एक अन्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र शिंगणे ने हादसे को लेकर कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक हमें 11 लोगों के मौत के बारे में पता लगा है। हम विस्तृत रिपोर्ट पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जांच के भी आदेश दे दिए हैं। हादसे के लिए जो भी जिम्मेदार होगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया, टैंकर के वॉल्व में खराबी के चलते इतनी बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का रिसाव हुआ। ये निश्चित है कि अस्पताल पर इसका असर जरूर होगा, लेकिन हमें अभी और जानकारी हासिल करनी है। पूरी जानकारी मिलने के बाद हम प्रेस नोट जारी करेंगे। नासिक के डिविजनल कमिश्नर राधाकृष्ण गामे ने कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना सुबह 10 बजे हुई, जब ऑक्सीजन टैंक में खराबी आ गई। अस्पताल प्रशासन ने कुछ मरीजों को शिफ्ट किया, फिर भी ऑक्सीजन प्रेशर कम होने की वजह से 22 मरीजों की मौत हो गई। घटना के बाद मरीजों के रिश्तेदार वार्ड में घुस गए और हंगामा करने लगे। इस स्थिति को बहाल करने में समय लगा। जागरूक टीवी की मुंबई से खास रिपोर्ट।